तो आज का फर्स्ट वर्ड है तस्तरी। तस्तरी को इंग्लिश में कहते हैं सौसर, सौसर। नेक्स्ट है प्याला। प्याला को इंग्लिश में कहते हैं कप, कप। नेक्स्ट है थाली। थाली को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट, प्लेट। नेक्स्ट है परात, जो बड़ा प्लेट होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेटर, प्लेटर। नेक्स्ट है कटोरा या कटोरी। कटोरा या कटोरी को इंग्लिश में कहते हैं बोल, बोल। नेक्स्ट है कांटा। जैसे कांटेदार चम्मच को हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्क, फोर्क। नेक्स्ट है चाकू। चाकू को इंग्लिश में कहते हैं नाइफ, नाइफ। नेक्स्ट है छीलने वाला चाकू। छीलने वाला चाकू को इंग्लिश में कहते हैं पीलर, पीलर। इसे हम आलू वगैरह को छीलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चम्मच या चमचा। चम्मच या चमचा को इंग्लिश में कहते हैं स्पून, स्पून। नेक्स्ट है चायदानी। चायदानी को इंग्लिश में कहते हैं टी पॉट, टी पॉट। नेक्स्ट है कद्दूकस। कद्दूकस को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर, ग्रेटर। इससे हम किसी चीज़ को बारीक करते हैं, घिसते हैं, इसे हम कद्दूकस कहते हैं। नेक्स्ट है फेटनी। फेटनी को इंग्लिश में कहते हैं विस्क, विस्क। नेक्स्ट है चाय की छन्नी। जिसे हम चाय को छानते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर। नेक्स्ट है छलनी। इस छलनी से हम आटा वगैरह को छानते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिफ्टर, सिफ्टर। नेक्स्ट है छलनी। ये बड़ा चीज़ को छानने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलेंडर, कोलेंडर। नेक्स्ट है मथनी। मथनी को इंग्लिश में हम कहते हैं चरनर। इसे हम दाल मथते हैं, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं चरनर। नेक्स्ट है बेलन। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन, रोलिंग पिन। नेक्स्ट है चकला। चकला को इंग्लिश में कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड। नेक्स्ट है तवा। तवा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल, ग्रिडल। नेक्स्ट है खलबत्ता। खलबत्ता को इंग्लिश में कहते हैं मोटर एंड पेसल, मोटर एंड पेसल। नेक्स्ट है मूसल। मूसल को इंग्लिश में कहते हैं पेसल। नेक्स्ट है ओखली। ओखली को इंग्लिश में हम कहते हैं मोर्टर, मोर्टर। नेक्स्ट है कनस्तर। इस तरह के कनस्तर को हम इंग्लिश में कहते हैं कैनिस्टर, कैनिस्टर। नेक्स्ट है चूल्हा। चूल्हा को इंग्लिश में कहते हैं स्टोव, स्टोव। नेक्स्ट है सरौता। सरौता को इंग्लिश में कहते हैं नट क्रेकर, नट क्रेकर। नेक्स्ट है सिलबट्टा। सिलबट्टा को इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड स्टोन, ग्राइंड स्टोन। नेक्स्ट है हंसिया। हंसिया को इंग्लिश में कहते हैं सिकल, सिकल। नेक्स्ट है चिमटा। चिमटा को इंग्लिश में कहते हैं टोंग, टोंग। नेक्स्ट है तवा। तवा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल, ग्रिडल। नेक्स्ट है करछी। करछी को इंग्लिश में कहते हैं लेडल, लेडल। नेक्स्ट है कलछी। ऐसे कलछी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्केमर, स्केमर। नेक्स्ट है डेगची। डेगची को इंग्लिश में कहते हैं सॉस पेन, सॉस पेन। नेक्स्ट है चपटा चम्मच। इस तरह के चपटा चम्मच को इंग्लिश में कहते हैं स्पैचुला, स्पैचुला। नेक्स्ट है कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, वॉक। नेक्स्ट है डोलची। डोलची को इंग्लिश में कहते हैं हम मिल्क कैन, मिल्क कैन। नेक्स्ट है ढक्कन। ढक्कन को इंग्लिश में कहते हैं लीड, लीड। नेक्स्ट है भगोना। भगोना ये कॉमन वर्ड है, इसे सब जानते हैं, ठीक है। भगोना को इंग्लिश में कहते हैं पॉट, पॉट। नेक्स्ट है डलिया, जिसमें हम बर्तन को रखते हैं, ठीक है, उसे हम हिंदी में डलिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेट रेक, प्लेट रेक। नेक्स्ट है झूना। झूना जिससे हम बर्तन को साफ करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टील वूल, स्टील वूल। नेक्स्ट है नींबू निचोड़ने वाला। नींबू निचोड़ने वाला को इंग्लिश में कहते हैं लेमन स्क्वीज़र, लेमन स्क्वीज़र। नेक्स्ट है आलू मसलने वाला। इस तरह के आलू मसलने वाला को इंग्लिश में हम कहेंगे पोटैटो मेसर, पोटैटो मेसर। तो फ्रेंड्स, आज का क्विज है डोलची को इंग्लिश में क्या कहते हैं और कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच।